मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव जारी है। दोपहर 1 बजे तक लगभग 45% वोटिंग हुई थी। चुनाव के बीच कई जगहों पर हिंसा की घटनाएं भी देखने को मिली हैं। कई फायरिंग तो कहीं पथराव हुआ है और इन घटनाओं में कई लोग घायल हुए हैं। चुनाव के दौरान कई मतदाता केंद्रों पर पथराव भी हुआ, जिसमें मुरैना का दिमनी, भिंड का मनहद गाँव शामिल है। इस हिंसा में कई लोग घायल हो गए। भिंड में तो भाजपा प्रत्याशी राकेश शुक्ला को ही चोट आ गयी। आपको बता दें कि मतदान के बीच महू में हिंसा भड़क गयी। महू में तलवारबाजी की घटना देखने को मिली। यहाँ 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमला करने का आरोप लगाया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कहना है कि भाजपा के लोग उनके पक्ष में वोट डालने का दबाव बना रहे थे। बड़गोंदा TI कैलाश सोलंकी ने बताया, दोनों पक्ष के लोग घायल हैं, अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। भिंड के महगांव विधानसभा क्षेत्र में शुक्रवार को अज्ञात व्यक्तियों ने भाजपा उम्मीदवार पर गोली चला दी। घटना में एक आप समर्थक भी घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची है। मुरैना के दिमनी की बात करें तो दिमनी में वोटिंग के दौरान मतदान केंद्र पर भारी हिंसा की बात सामने आई। यहाँ मतदान के दौरान पथराव और गोलीबारी हुई। घटना के बाद क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात हो गया है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि मध्य प्रदेश में चुनाव की स्थिति काफी ज्यादा गहमा गहमी के तौर पर निकलती नजर आ रही है। वैसे भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो कांटे की टक्कर इस बार देखने को मिल रही है। कुछ भी कहना मुश्किल है। 230 विधानसभा सीटों पर ये मतदान हो रहा है और ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार आज समय खत्म होने पर कितने प्रतिशत मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर राज्य की सरकार बनाने में अहम किरदार निभाएंगे और कितने प्रतिशत वोटिंग होगी। साथ ही इसका निर्णय 3 दिसंबर को आएगा, जहां ये साबित हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है। तमाम बड़ी खबरों पर हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।